नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, क्रिकेट और बॉलीवुड एक्ट्रेस की लव स्टोरी का सिलसिला कई दशकों से चला आ रहा है। कई बार बॉलीवुड की हसीनाओं पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का दिल आया, काफी प्रेम प्रसंग चले और कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां शुरू हुई जो शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाई। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही प्रेम प्रसंगों के बारे में जिन्होंने सुर्खियां तो खूब बटोरी लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। हमारी लिस्ट में पहला नंबर आता है जीनत अमान और इमरान खान का। जीनत अमान और इमरान खान के इश्क के चर्चे सरहद पार भी मीडिया में छाए रहे। जीनत अपने समय की हॉट एक्ट्रेस थी। उस समय पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान भी हैंडसम और स्मार्ट हुआ करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि जीनत एक टूर के सिलसिले में पाकिस्तान गई, वहां उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई, और कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान मुंबई आए और वहां वो जीनत अमान से मिले। दोनों की मुलाकात पार्टियों में होने लगी। इस दौरान दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे। खबरें तो ऐसी भी थी कि उन दिनों इमरान खान जहां भी मैच खेलने जाते, जीनत वहां मौजूद रहती। उन दिनों इनके अफेयर का एक किस्सा भी बहुत फेमस हुआ। ऐसा कहा जाता है, जब भी इमरान फील्ड पर खराब प्रदर्शन करते थे तो ड्रेसिंग रूम में टीम उनका मजाक उड़ाती थी। जीनत तो इमरान खान से शादी करना चाहती थी, लेकिन इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं हुए। कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए और जीनत ने 1985 में मजहर खान से शादी कर ली। शोएब अख्तर और सोनाली बेंद्रे। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाने वाले फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का दिल भी बॉलीवुड की हसीना सोनाली बेंद्रे पर आया था। शोएब अख्तर सोनाली बेंद्रे की फिल्म देखकर उन पर फिदा हो गए थे। शोएब अख्तर सोनाली बेंद्रे की तस्वीर तक अपने पर्स में रखते थे। शोएब तो सोनाली बेंद्रे को प्रपोज करना चाहते थे। अगर सोनाली बेंद्रे प्रपोजल एक्सेप्ट ना करती तो वो उनको किडनैप करने के भी मूड में थे। सोनाली बेंद्रे ने बाद में गोल्डी बहल से शादी कर ली। रीना रॉय और मोहसिन खान। अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान की लव स्टोरी भी बहुत अजीब है दोस्तों। रीना रॉय को जब मोहसिन खान से प्यार हुआ तो मोहसिन खान पाकिस्तान के सबसे उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी थे, लेकिन मोहसिन खान ने अपना अच्छा खासा क्रिकेट का करियर छोड़कर रीना रॉय के साथ शादी कर ली। यहाँ तक कि रीना रॉय पाकिस्तान में जाकर सेटल भी हो गईं। जब मोहसिन खान का क्रिकेट का करियर खत्म हो गया तो ये रीना रॉय ही थी जिन्होंने मोहसिन खान को बॉलीवुड में एंट्री दिलाई। लेकिन मोहसिन खान चल नहीं पाए। जैसे मोहसिन खान बॉलीवुड में नहीं चल पाए, वैसे ही दोनों का रिश्ता भी नहीं चल पाया और तलाक लेकर रीना रॉय वापस भारत आ गई। सुष्मिता सेन और वसीम अकरम। सुष्मिता सेन का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ जुड़ा। दोनों की मुलाकात एक टीवी रियलिटी शो के दौरान हुई थी। उस समय खबर ये उड़ी थी कि पूर्व मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम को डेट कर रही हैं और दोनों शादी करने वाले हैं। इस दौरान कई बार सुष्मिता सेन की शादी की अफवाहें भी उड़ी, मगर उन्होंने कभी भी इस पर कुछ खुलकर नहीं कहा। दोस्तों, दोनों का रिश्ता सिर्फ 6 महीने ही चल पाया था। बाद में दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने 12 अप्रैल 2010 को हैदराबाद में शादी की। सानिया और शोएब की शादी के वक्त खूब बवाल हुआ। ये भी कहा गया कि शोएब मलिक पहले से ही शादीशुदा हैं, और ज्यादातर लोगों ने सानिया के इस फैसले पर एतराज जताया कि वो एक पाकिस्तानी से क्यों शादी कर रही है। हालांकि सानिया मिर्जा कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस तो नहीं थी, लेकिन उन दिनों जिस तरह से वो सुर्खियों में छाई रही, उनको बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम भी नहीं आंका जा सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी रिसर्च कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल।